Hello everyone, welcome to the students online classes. I am Nitin Kumar, I am your mathematics faculty. आज हम लोग इस लेक्चर में नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें ब्रैकेट पढ़ रहे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट एंड ऑर्डर ब्रैकेट का. तो जैसे मैंने बताया था लेक्चर में एक ऑर्डर ब्रैकेट का सॉल्व करने का, लेकिन आप लोग के बुक में कुछ अलग दिया है ऑर्डर, तो बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा ऑर्डर सर फॉलो करना है. तो मैं आज उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही इस लेक्चर को मैं बना रहा हूँ. तो देखिए, जब भी हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है ब्रैकेट के ऑर्डर को सोल्व करने का, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर के माध्यम से. तो देखिए, मैंने बताया था कि ये ऑर्डर फॉलो करना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, लेकिन आपके बुक में ये ऑर्डर दिया हुआ है. तो लोगों बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो गया कि सर कौन सा ऑर्डर है. मेनली चेंजिंग था यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था ये पहले और ये बाद में आने के लिए, इसी में कन्फ्यूजन हुआ था. तो उसी को दूर करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है, जिसके द्वारा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई भी ब्रैकेट का क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं. सबसे एक्यूरेट मेथड है, आप ना ये मेथड फॉलो करें और ना ये वाला मेथड फॉलो करें, जो मैं अभी बताऊंगा वो मेथड फॉलो करें, और सबसे बेस्ट एक्यूरेट मेथड वही है. मैं उस लेक्चर में इस ब्रैकेट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, बार ब्रैकेट. ये भी एक ब्रैकेट होता है, टाइप का ब्रैकेट होता है, जहाँ भी नंबर रहेगा, जैसे कोई भी नंबर के ऊपर ऑपरेशन है उसके ऊपर ये सब दिया हुआ है, तो समझ जाइए ये बार ब्रैकेट है. और सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इसी ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सोल्व करना है. तो ये सिंपली समझिए, कुछ नहीं है, बड़ा ब्रैकेट मीन्स पैरेंथेसिस, ये समझ लीजिए ये वाला ब्रैकेट है वही. तो देखिए, स्टेप फर्स्ट, सबसे एक्यूरेट मेथड मैं बता रहा हूँ और ये ध्यान से सीखना है. देखिए, कहता है स्टेप फर्स्ट में जब भी ब्रैकेट का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या करना है. तो स्टेप फर्स्ट, सी वेदर द गिवन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ बिनक्यूलम और नॉट. बिनक्यूलम मीन्स बार ब्रैकेट, ठीक है, बिनक्यूलम, इसी को हम लोग बोलते हैं बिनक्यूलम, ठीक है. तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, विनक्यूलम इज बार ब्रैकेट, यानी सबसे पहले क्वेश्चन के एक्सप्रेशन के अंदर देखना है बार ब्रैकेट है या नहीं. सबसे पहला, अगर बार ब्रैकेट है, इफ विनक्यूलम इज प्रेजेंट, देन परफॉर्म ऑपरेशन अंडर इट, देन सबसे पहले उसी ब्रैकेट को सोल्व करें, सबसे पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करें. कहीं भी अगर दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर बार ब्रैकेट यानी विनक्यूलम, तो सबसे पहले उसी को सोल्व करें. उसके बाद स्टेप टू, सी द इनर मोस्ट ब्रैकेट एंड परफॉर्म ऑपरेशन विद इन इट. उसके बाद सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है, इनर मोस्ट मीन्स क्या हुआ, देखिए इनर मोस्ट मीन्स क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं. यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था ऑर्डर कि सबसे पहले ये सोल्व करेंगे, उसके बाद ये सोल्व करेंगे, ठीक है. तो किसी ने बताया कि सबसे पहले ये सोल्व करते हैं, उसके बाद ये सोल्व करते हैं. अब देखिए, क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, सबसे पहले क्या है, ये वाला ब्रैकेट आया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आया, तो आप कौन सा फॉलो करेंगे, मेरा वाला या आप अपना, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है. तो इस कारण इस कन्फ्यूजन को ही दूर करने के लिए लेक्चर बना रहे हैं. तो देखिए, तो कहता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन के अंदर देखिए बार ब्रैकेट है या नहीं, यानी बिनक्यूलम है या नहीं. अगर बिनक्यूलम है तो सबसे पहले उसी को सोल्व करें, अगर नहीं है तो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जाएं. तो इसमें देखिए बार ब्रैकेट है नहीं, तो सेकेंड स्टेप कहता है कि सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसे सोल्व करें, सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट है. तो देखिए, ब्रैकेट जो होगा सबसे बाहर वाला ब्रैकेट, इनर मोस्ट में सबसे अंदर, बाहर का ब्रैकेट सबसे, देखिए तो सबसे बाहर कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला. तो हमने मैं बताया था इसका मतलब क्या है, ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है, उसी तरीके से ये ओपन ये क्लोज, उसी तरीके से ये ओपन ये क्लोज. तो अब देखिए सिक्वेंस क्या है ब्रैकेट का, जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे आउटर मोस्ट होगा, और जो सबसे पहले आएगा वो इनर मोस्ट होगा, ठीक है. और कोई भी आ सकता है, सबसे इनर मोस्ट कुछ भी आ सकता है. तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट को सोल्व करना है. तो देखिए, सबसे इनर मोस्ट कौन सा है, सबसे अंदर कौन सा ब्रैकेट है, पहले ये वाला है ब्रैकेट, पैरेंथेसिस है, सर्कुलर ब्रैकेट है. तो सबसे पहले उसके अंदर सोल्व करेंगे ऑपरेशन, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो इस कारण ये आ गया, ठीक है. तो सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट, ये आपके लिए सबसे क्या हो गया, आउटर मोस्ट ब्रैकेट हो गया, सबसे इनर मोस्ट, ये सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है. ये स्टेप टू. स्टेप थर्ड क्या है, रिमूव द इनर मोस्ट ब्रैकेट बाई यूजिंग फॉलोइंग रूल्स.
रिमूव वो जो इनर मोस्ट ब्रैकेट कर रही है उसको सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स है। कुछ रूल्स ये है कि पहला रूल नंबर फर्स्ट, इफ अ ब्रैकेट इज प्रिसीडेड बाई अ प्लस साइन, अगर ब्रैकेट के ये आगे प्लस अगर साइन है तो रिमूव इट बाई राइटिंग इट्स टर्म एज दिया, तो इस ब्रैकेट को बस रिमूव कर दीजिए जैसा टर्म लिखा हुआ उसके अंदर बस वैसा ही। अगर 4 + 3 लिखा हुआ है तो आप ब्रैकेट को हटा दीजिए 4 + 3 करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, ब्रैकेट हट गया, बाकी ये ऑपरेशन आप कर दीजिए 4 + 3 = 7, इसके अंदर ऑपरेशन करके हटा दीजिए। अब देखिए, इफ अ ब्रैकेट इज प्रिसीडेड बाई अ माइनस साइन, अगर लेकिन यही प्रॉब्लम है कि अगर ब्रैकेट के आगे, ब्रैकेट के आगे अगर ये माइनस साइन हो, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस साइन हो तब जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होगा वो अपना साइन चेंज कर लेगा, यानी देखिए ये भी 4 है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -4, अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, ब्रैकेट अगर हटाए तो आया। तो ये रूल नंबर 2। देखिए, इफ देयर इज नो साइन बिटवीन अ नंबर एंड अ ग्रुपिंग सिंबल, कहता है कि अगर कोई साइन ना हो, कोई साइन ना हो तो देन इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मीन्स अगर नंबर के आगे कोई साइन ना हो ऐसा लिखा हुआ है, इट मीन्स समझ जाना है कि इसके आगे कोई साइन नहीं तो इसके आगे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या है मल्टीप्लीकेशन है, इट मीन्स ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 × 3 और +4 × 4 होगा ये ऐसा, या तो डायरेक्ट फिर आप जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन पढ़ते हैं वही प्रोसेस, या तो डायरेक्ट आप 3 + 4 = 7, 4 = 7 और ये 4 × 7, बस बताने का मतलब ये है कि अगर कोई साइन नहीं है तो ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ये। अब देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4, इफ देयर इज ए नंबर बिफोर सम ब्रैकेट देन वी मल्टीप्लाई द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट विद द नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट, यही जो मैंने बताया, तो ये 4 रूल को फॉलो करना है। स्टेप 4, सी द नेक्स्ट इनर मोस्ट ब्रैकेट, सॉरी उसके बाद हमको इनर मोस्ट ब्रैकेट, जैसे इनर मोस्ट सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट ये था तो ये सोल्व करने के बाद कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये आएगा, उसके बाद कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये आएगा, तो यही सोल्व करना है और कुछ नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट जो आए वो सोल्व कीजिए, उसके बाद जो इनर मोस्ट ब्रैकेट आए उसको सोल्व कीजिए, उसके बाद जो ब्रैकेट आएगा उसको सोल्व कीजिए, और यही प्रोसेस को फॉलो करना है। और ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे वो मैंने 4 रूल बताया कि अगर उसके आगे प्लस साइन है तो एज इट इज नंबर जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए टर्म को, लेकिन अगर उसके आगे माइनस साइन है तो पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर जो होगा नंबर्स वो अपना साइन चेंज कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई साइन ना हो सिर्फ उसके आगे ब्रैकेट के आगे नंबर है, इट मीन्स वो क्या है मल्टीप्लाई करना है उसके साथ ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के साथ, ठीक। तो ये रूल्स फॉलो करना है ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया है कि सबसे पहले जो करली ब्रेसेस है उसे क्या किया है, सबसे बाद में लिया है, लेकिन रूल के हिसाब से, आपके रूल के हिसाब से तो सबसे क्या होना चाहिए, सबसे बाद में ये होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन सबसे बाद में क्या दिया, करली ब्रेसेस। तो वो कन्फ्यूजन नहीं, जो अभी मैंने रूल बताया एक्यूरेट वही फॉलो करना। कहता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर बार ग्राफ बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, बार ब्रैकेट है नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप मीन्स सबसे इनर मोस्ट वाला जो ब्रैकेट है वो सोल्व करेंगे। तो इनर मोस्ट सबसे कौन सा है, ये वाला पैरेंथेसिस है, यानी 4 - 3 1 देखिए हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, तो 3 - 1, तो उसके बाद इनर मोस्ट। इनर मोस्ट मतलब देखिए यहाँ पे एक स्टेप गायब कर दिया है, जैसे मैंने सोल्व किया 2 - 2 ये 3 माइनस, ये 4 - 3 क्या हुआ, 1 1 हुआ, लेकिन उसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन तो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो 1 आएगा, यानी इसके आगे प्लस, तो ये बाहर जब निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इस कारण 3 - 1 और ये +6 और ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, अब कौन सा इनर मोस्ट हुआ, अब इनर मोस्ट ये वाला ब्रैकेट हो गया, तो 3 - 1 2 और इसके आगे माइनस, तो -2 हो जाएगा बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा 2 - 2 और +6 ये हो जाएगा। अब देखिए, अब कौन सा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इसके अंदर 2 साइन, एक सब्ट्रैक्शन और एक एडिशन, तो सबसे पहले किसको करते हैं, पहले एडिशन तब सब्ट्रैक्शन। एडिशन मीन्स
जो प्लस साइन है, जिस जिस नंबर के साथ प्लस साइन है, देखिए तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 6 8, और 8 माइनस 2 6, तो ये आ जाएगा 6। अब देखिए इसके आगे, इस ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर है। इट मीन्स क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू 6 है, तो 2 इंटू 6 क्या होगा, 12। तो ये स्टेप फॉलो करना है, और सबसे बेस्ट एक्यूरेट स्टेप यही है, मेथड है ब्रैकेट को सोल्व करने का। तो आई थिंक ये पूरा ब्रैकेट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा आप लोग से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नया चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।